किसी ने क्या खूब कहा है, जमाने में भाई लोग हम पर उंगली उठाते हैं, जमाने में भाई लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है दोस्तों आपको अपना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को 27 मई दिन गुरुवार कैसे रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसे रहेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आएगा संपूर्ण राशि पर बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज गुरुवार है, साईं बाबा का दिन है। दोस्तों कमेंट में ओम साईं राम जरूर लिखना। दोस्तों जो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करेगा साईं बाबा आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। अगर दोस्तों आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करें जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों आगे चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि शत्रु को पराजित करना है तो चाणक्य इन बातों को याद रखें। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य नीति कहती है कि जीवन में यदि सफलता चाहिए तो शत्रु और शत्रुता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही सफलता की रफ्तार को धीमी करते हैं, इसलिए चाणक्य इन बातों को जरूर जानना चाहिए। दोस्तों चाणक्य को ज्ञान के साथ साथ जीवन के सुख और दुख का गहरा अनुभव था, किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आचा चाणक्य ने ज्ञान को अनुभव की कसौटी पर कसा। चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में उन बातों को अधिक वरीयता दी है जो मनुष्य को सबसे अधिक प्रभावित करती है। चाणक्य ने अपने जीवन में उस विषय को गंभीरता जानने और समझने की कोशिश की है जो उसके जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव डालती है। दोस्तों चाणक्य की माने तो जीवन में यदि सफलता प्राप्त करनी तो शत्रुओं को लेकर सदैव सावधान रहना चाहिए और सफल व्यक्तियों के ज्ञान और अज्ञान शत्रु होते हैं, ये एक स्वाभाविक बात है। जहां पर प्रतियोगिता होती है वहां पर प्रतिद्वंदी होना लाजमी है। प्रतिद्वंदी हमेशा आपको आगे बढ़ने की प्रेरित करते हैं, इनसे भयभीत नहीं होना चाहिए। शत्रु और प्रतिद्वंदी में कुछ समानताएं पाई जाती है जिनका मकसद आपकी प्रगति को प्रभावित करना होता है, इसलिए सजगता इस समस्या से बचाती है। दोस्तों नंबर एक, शत्रु को कभी कमजोर न समझें। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य के अनुसार शत्रु को कभी कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। शत्रु की हर गतिविधि की जानकारी होना आवश्यक है, प्रतिक्रिया कब देनी है इसकी रणनीति भी आपके पास होनी चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान रखते हैं तो शत्रु हानि कभी नहीं पहुंचा सकते हैं। नंबर दो, वाणी और विनम्रता को अपनाएं। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को अपनी दो चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चाणक्य के अनुसार दूषित वाणी और खराब आचरण शत्रुओं की संख्या में वृद्धि करता है, इसलिए वाणी को मधुर स्वभाव में विनम्रता को अपनाना चाहिए। दोस्तों आज का चाणक्य नीति ज्ञान आपको पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों हमेशा की तरह एक लाइक जरूर करना। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों आगे पंचांग के बारे में। आएगा पंचांग 27 मई 2021 दिन गुरुवार आएगी तिथि है, प्रतिपदा तिथि। आएगा नक्षत्र ज्येष्ठ नक्षत्र, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, ऋतु चल रहा है ग्रीष्म ऋतु। आज सूर्योदय होगा सुबह 5:25 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:11 पर। दोस्तों आएगा शुभ समय है दोपहर 11:50 से दोपहर 12:45 तक रहेगा और आएगा अशुभ समय है सुबह 10:01 से शाम 4:26 तक रहेगा। दोस्तों आज कन्या राशि वालों का लक्की नंबर है 4। अब बात करते हैं दोस्तों आज कन्या राशि फल के बारे में कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। कन्या राशि वाले, आज आपको कई दिक्कतों और मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है जिस वजह से आप झुंझलाहट और बेचैनी महसूस करेंगे। जीवन की गाड़ी को अच्छे से चलाना चाहते हैं तो आपको पैसों की आवाजाही पर विशेष ध्यान देना होगा। पारिवारिक सदस्यों से मतभेद खत्म कर आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं। अपने प्रिय से कुछ भी तलख कहने से बचें, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। एक अहम प्रोजेक्ट जिस पर आप काफी अरसे से काम कर रहे थे टल सकता है। जो लोग घर से बाहर रहते हैं आए वो अपने सारे काम पूरे करके शाम के समय किसी पार्क या एकांत जगह पर रहना पसंद करेंगे। जीवन साथी खराब व्यवहार का नकारात्मक असर आपके ऊपर पड़ सकता है, जिस विषय की वजह से मन में काफी बेचैनी चल रही थी वह कम होगी और आप योग्य निर्णय पर पहुंच जाएंगे। इसी निर्णय के कारण जीवन संबंधित कुछ विचारों में बड़ा बदलाव नजर आएगा। आपके लक्ष्य में भी आप कुछ हद तक बदलाव करेंगे। निर्णय गलत रहने का थोड़ा डर हो सकता है लेकिन निर्णय आपके पक्ष में ही होगा। व्यवसाय पार्टनर तथा सहयोगियों की सलाह पर जरूर ध्यान दें, इससे व्यवस्था उचित बनी रहेगी। संपर्क सूत्रों के माध्यम से उचित ऑर्डर मिल सकते हैं। किसी डील को फाइनल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। पति पत्नी आपसी संबंधों के बीच एम की स्थिति ना आने दें। लव लाइफ की खुशनुमा बनाकर रखें, इससे मानसिक सुकून बना रहेगा। कारोबार बढ़ाने के लिए आपको कुछ खास लोगों से मदद मिल सकती है। आपको उधार दिए गए पैसे वापस मिल सकते हैं। बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करें और विषम परिस्थितियों में धैर्य के साथ काम लें। अत्यधिक क्रोध करने से बचें वरना आप मानसिक शांति भंग हो सकती है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जीवन साथी के साथ जो भी मतभेद है उन्हें जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करें वरना समस्या खड़ी हो सकती है। आएगा दिन आपका अच्छा बीतेगा बशर्ते आप तनाव से दूर रहें। कार्यस्थल पर भी सतर्क रहना आपके लिए अच्छा होगा। कार्यस्थल पर बहुत से अनबन हो सकती है। शेयर खरीदने और बेचने के लिए आज से अच्छा समय। दिन की शुरुआत में कुछ रुकावटें आ सकती हैं लेकिन दिन खत्म होते होते सब ठीक हो जाएगा। नीला रंग आज आपके लिए लकी साबित होगा, ये रंग आपकी किस्मत बदल सकता है। लाल रंग से बचें, ये रुकावटें पैदा कर सकता है।
आए आप खुद की कार कुशलता को परखेंगे, कामकाजी महिलाएं पेशेवर और निजी जीवन में तालमेल लड़ाने में सफल रहेंगे, अपनी मनमानी ना करके दूसरों की बातों पर ध्यान दें, प्रॉपर्टी में निवेश का सही समय, पैसों से जुड़े कुछ मामलों पर विचार करेंगे, आप विवाहित लोग अपने निर्णय सोच समझ कर लें, आपको आसपास हर चीज पर गौर रखने की जरूरत है, हेल्थ को लेकर स्थितियां अनुकूल है, आए आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, कारोबार में फायदा होने के योग बन रहे हैं, किसी काम को पूरा करने के लिए सहयोगों की मदद लेनी पड़ सकती है, शादीशुदा लोगों के जीवन में खुशियां आएंगी, तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे, सीनियर आपके काम से खुश होकर आपकी तारीफ करेंगे, किसी से बात करते समय आपको अपनी वाणी पर संयम रखें, व्यक्तियों को आकस्मिक यात्रा दौड़ भागवरी तनावपूर्ण रहेगी, आप उन वस्तुओं पर खर्च करेंगे जिससे आपके परिवार के सदस्यों के आराम और सुख सुविधाओं में वृद्धि हो, जीवन साथी अथवा प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में सुधार होगा, आप उपहार देकर उन्हें आश्चर्यचकित कर सकते हैं, सामाजिक जीवन अच्छा रहेगा, आए व्यापारियों और पेशेवर लोगों के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहेगा, मुनाफे और ग्राहकों में वृद्धि होगी, नौकरीगत व्यक्ति वेतन में वृद्धि पदोन्नति से संबंध अच्छी खबर की उम्मीद रख सकते हैं, तथापि पैसे उड़ाने में अधिक लालसा ना करें, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आप सक्रिय ऊर्जावान महसूस करेंगे, आवश्यकता से अधिक खाने से बचें, शांति और सामंजस्य की भावना बनी रहेंगी, अनावश्यक वाद विवाद और तनाव से दूर रहें, सफर करने के लिए एक अच्छा दिन है, परिवार के साथ की गई यात्राओं से आप खुशी और विश्राम मिल पाएगा, आज आप बहुत ही भाग्यशाली महसूस करेंगे, आपकी भौतिकवादी इच्छाओं में से अधिकतर इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, घर की किसी समस्या को सुलझाने में आपका प्रयास सफल रहेगा तथा अधिकतर समय घर परिवार की व्यवस्था को देखरेख में व्यतीत होगा, विद्यार्थियों को अपने किसी प्रोजेक्ट में सफलता मिलने से खुशी मिलेगी, इस समय व्यर्थ की बातों में ना उलझकर रचनात्मक कार्य में व्यस्त रहें, इससे आपके व्यक्तित्व में और निखार आएगा, दूसरों के मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप ना करें, बुध की स्वामित्व वाली कन्या राशि के लोगों को इस दिन अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, सूर्य और शुक्र आपके अष्टम भाव में विराजमान होकर कुछ गुप्त समस्या आपको दे सकते हैं, खुद को फिट रखने के लिए आपको सारी क्रियाएं करनी होंगी, यदि किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो दवाइयां समय पर लें और पर्याप्त नींद लें, इसके साथ ही कुछ जातकों को गले या मुंह से संबंधित कुछ दिक्कतें भी इस दिन हो सकती हैं, अत्यधिक गर्म तीसार का भोजन करना आपके लिए अच्छा नहीं है, इस दिन आप ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें या ऐसी चीज का जिनकी तासीर ठंडी है, इसके साथ ही योग क्रिया करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा, तो दोस्तों ये था कन्या राशि वालों का राशिफल, दोस्तों आए गुरुवार साईं बाबा का दिन है, दोस्तों घर में रहकर अगर आप सच्चे मन से साईं बाबा की पूजा आराधना करते हैं तो साईं बाबा आपकी जरूर सुनेंगे और आपके सभी कष्ट दूर करेंगे, दोस्तों वीडियो को लाइक करें और रोहित कन्या राशिफल देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन और पर सेलेक्ट करें जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, दोस्तों यह का राशिफल अपने दोस्तों में शेयर करना, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले